बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें सबसे पहले तो स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटा पोर्स हैं। ठीक है, स्टोमा इज अ पोर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू गार्ड सेल्स। ठीक है, दो गार्ड सेल्स के दरमियान जो मौजूद ये पोर है, ठीक है, दैट इज द स्टोमा। ये यहाँ पर हाईलाइट किया मैंने येलो कलर में। अब इसके बाहर ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, और इनके अंदर मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्स मौजूद है। ठीक है, इन गार्ड सेल्स में जो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की क्वालिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ये सारी चीजें बड़ी प्रॉपर अंदाज में इनको सेंस करते हुए टर्गर प्रेशर डेवलप करवाया जाता है। और अगर ये गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं तो इनके दरमियान पोर डेवलप हो जाता है, और अगर इन गार्ड सेल्स के अंदर टर्जिडिटी नहीं रह पाती तो फिर इन दोनों के दरमियान पोर बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ टच कर जाते हैं, फ्लैसिड होते हैं। तो इसका मतलब है कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू द इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल्स, एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू द डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर इन गार्ड सेल। वो इंक्रीज की वजह से था ओपनिंग, और क्लोजिंग क्या है? वो डिक्रीज इन टर्गर की वजह से। अब ओपनिंग कैसे होती है? दो हाइपोथेसिस हैं। एक हाइपोथेसिस तो स्टार शुगर हाइपोथेसिस अमोल ने दिया था। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक सिंपल सी चीज कि दिन के वक्त जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने से ज्यादा शुगर बनती है, और जब ज्यादा शुगर हो जाती है सेल्स में तो वाटर पोटेंशियल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जाइलम से ज्यादा तेजी से पानी सेल्स में दाखिल होता है और ये जो है वो सेल टर्जिड हो जाते हैं। दैट इज द स्टार शुगर हाइपोथेसिस। काफी देर तक ये माना गया, लेकिन बाद में इसको जो है वो कंसिडर नहीं किया गया। एक और जो इसमें हमारे पास मॉडल है, हाइपोथेसिस है, दैट इज द इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन ये क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पोटेशियम आयन की होती रहती है फ्रॉम सराउंडिंग एपिडर्मस, ठीक है, और पोटेशियम आयन को सेल्स में इंक्रीज करवाया जाता है, इंक्रीज ऑफ पोटेशियम आयन इन सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है, वाटर तेजी से एंटर होता है सेल्स में और सेल टर्जिड हो जाते हैं। मीन कि वहां पर हमने दूसरे मॉडल में बात की थी कि शुगर के ज्यादा होने की वजह से सेल के अंदर पानी का ज्यादा आना, यहां हम कह रहे हैं नहीं, पोटेशियम आयन के ज्यादा होने की वजह से पानी का ज्यादा आना। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, जब ज्यादा होंगे पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर तो सेल के अंदर पानी भी ज्यादा आएगा और सेल टर्जिड हो जाएंगे, जिसके नतीजे में स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर जो है ये लॉस हो जाएगा इन आयंस का, पोटेशियम आयन का, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी की भी फिर एक्सोस्मोसिस हो जाएगी और स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे ड्यू टू द डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन पोटेशियम आयन की मूवमेंट को कंट्रोल कौन सी चीज कर, दैट इज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, स्टोमेटा ओपन होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेल में लो हो जाता है, यानी कि लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से क्या होता है कि तेजी से जो पोटेशियम आयन है वो सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल के अंदर पानी ज्यादा आना शुरू हो जाता है और सेल टर्जिड हो जाता है। तो इसका मतलब है लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डे टाइम में लेवल लो है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और अगर रात का वक्त है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेल में ज्यादा हो गया हुआ है तो पोटेशियम आयन सेल के अंदर फिर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टर्गर प्रेशर लॉस हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज रहेगा। फिर ब्लू लाइट वो रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ब्लू लाइट, ब्लू लाइट आपको पता है फोटोसिंथेसिस ज्यादा करवाती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म एसिडिक हो जाता है और अलाउ करता है ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम आयन की अपटेक का। ठीक है, इसीलिए दिन के वक्त जब ज्यादा, तो इसका मतलब ब्लू लाइट इज प्रमोटिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ब्लू लाइट इज प्रमोटिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। रात के वक्त जो है वो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो वही स्टोमेटा क्लोज हो रहे।
तो ये पॉइंट्स हैं आपके पास। उसके अलावा हार्मोनल कंट्रोल भी है, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल भी है, ये भी देखा गया है कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, वो एक हार्मोनल वे के साथ प्लांट हार्मोन्स जो है वो इसके अंदर जब रोल है, एफसीसी एसिड का जब इसमें साथ में जब रोल है, येलो बॉक्स हो गया। ये तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के हवाले से, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब हम बात करते हैं खुराक की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, दैट इज बाय ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जिसमें फ्लोएम इन्वॉल्व है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन जिसके अंदर जो है वो मेन रोल किस चीज का है, फ्लोएम का है। ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, ठीक है, असल में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो फ्लोएम के साथ मिलके एसोसिएशन बना रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में मदद दे रहे हैं, मेन फ्लोएम के जरिए, ठीक है, और ये वास्कुलर टिश्यूज के साथ ही, जाइलम के साथ ही बाहर, ये खुद भी वास्कुलर, फ्लोएम भी वास्कुलर ही है, ठीक है, उसके साथ पैरेलल जो है वो मौजूद होती है। स्पेशल सेल्स हैं, कुछ सीव ट्यूब सेल्स हैं, ठीक है, कंपेनियन सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स हैं, सक्लेराइड और फाइबर्स हैं, और फिर जो है वो लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स हैं। ये मुख्तलिफ सेल्स हैं और ये कैसे खुराक के ट्रांसपोर्टेशन का सबब बन रहे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सीव ट्यूब सेल्स की। फ्लोएम के अंदर आपको पता है जाइलम और फ्लोएम जो है ये कंपाउंड टिश्यूज हैं, तो एक एक तो चीज इसमें नहीं है, ज्यादा किस्म के सेल्स हैं। तो फ्लोएम में एक सेल जो है वो क्या है, सीव ट्यूब सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें हर सेल के दरमियान में क्या है, पोर्स मौजूद है, पोर्स मौजूद है, दैट आर कॉल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक हो गया। तो अब इसमें सीव ट्यूब सेल्स एक दूसरे से मिलके इन पोर्स के थ्रू ये एक ऐसे लगता है जैसे पाइप बन गया, एक चैनल बन गया, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स एक दूसरे के साथ लिंक हुए और इन सेल्स के साथ में मौजूद है कंपेनियन सेल जिसमें कई ऑर्गेनाइल्स भी हैं जो इसको अकॉर्डिंग टू नीड एनर्जी वगैरह अगर चाहिए होगी तो वो प्रोवाइड करेंगे और फूड, ठीक है। ऑलमोस्ट नो साइटोप्लाज्म इन द सीव ट्यूब, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है, और ये जो है वो सीव ट्यूब एक दूसरे के साथ ये कंपेनियन सेल के जरिए है और कंपेनियन सेल्स का एटीपी और प्रोवाइड प्रोटीन्स प्रोवाइड करना जो है वो काम है, ठीक है, और लोडिंग ऑफ शुगर जो है वो इसका जो है वो कंपेनियन सेल का काम। सीव ट्यूब के बाद अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो आपके पास एक सोर्स है और एक सिंक है। पौधे के अंदर जो सोर्स है वो लीव्स हैं और जो सिंक है, जो सिंक है वो फ्रूट्स हैं, रूट हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं और इमेच्योर लीव्स भी हो सकते हैं जहां खुराक में स्टोर होंगे, ठीक है, जहां पर खुराक में, तो जहां खुराक बन रही है वहां से जहां खुराक में स्टोर होना है वहां तक जो मूवमेंट है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें ये जस्ट सिंगल साइडेड ट्रांसपोर्ट उस तरह से नहीं है, है तो सोर्स से सिंक की, ये सोर्स से सिंक की, ये तो कंफर्म है सोर्स से सिंक है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि जी ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रही है, दोनों तरफ से। अगर सोर्स नीचे है सिंक ऊपर है तो ये अपहिल भी जाएगी, अगर जो है वो सिंक वो जो है वो नीचे है सोर्स ऊपर है, ठीक है, तो वो डाउन भी जो है वो मूव करेगी, ये जरूरी नहीं है, हमने इसमें खुराक मूव करनी है सोर्स टू सिंक, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करें सीव ट्यूब के साथ ये कंपेनियन सेल मिलके ये ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो सबब बनते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे बनती है, होती है, थोड़ा सा ये एक येलो बॉक्स के अंदर थोड़ा मेंशन है, जो एसिड्स वगैरह है वो फ्लोएम के अंदर मौजूद इसी सैप को वो सक करते हैं, इस फ्लूइड को वो सक करते हैं, ठीक है, और उनके माउथ पार्ट सीव ट्यूब तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, सीव ट्यूब तक पहुंच सकते हैं। अब मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक्टिव या पैसिव के जरिए है, किस तरह से है, कौन कौन सी चीजें जब वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ख्याल करते हैं कि जो शुगर्स हैं वो डिफ्यूजन के जरिए भी मूव कर जाती हैं और इनकी वेलोसिटी जो है वो हाई है अप टू 1 मीटर पर आवर, ठीक है, और डिफ्यूजन जो है वो इसमें अगर हम बात करें तो एक स्लो प्रोसेस भी है 1 मीटर इन 8 ईयर्स, ये भी जो है वो देखा गया है, ठीक है।
तो ये जो है वो फ्लोइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में उतना अफेक्टेड नहीं हो सकती, डिफ्यूजन इतना रेट हाई नहीं हो सकता, क्योंकि खुराक तो वो अप टू 1 मीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन डिफ्यूजन रेट उस तरह से नहीं है, इतना तेज नहीं है प्लांट्स के लीव्स के दरमियान, तो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू खुराक नहीं जा रही, ठीक है। इसलिए फिर कैसे जा रही है, प्रेशर फ्लो थ्योरी है, ये थ्योरी आपने तैयार करनी है और पास्टुलेट उसके पॉइंट्स तैयार करने हैं आपने, मंच ने दी थी 1930 में। इस थ्योरी के मुताबिक जो है वो क्या है कि खुराक सोर्स से सिंक मूव करती है। एक पौधे ने अपनी सेल्स के अंदर ग्लूकोज बनाई, कुछ उसने खुद इस्तेमाल कर ली और कुछ को वो कन्वर्ट करेगा सुक्रोज में, कुछ को वो कन्वर्ट करेगा सुक्रोज में। हो क्या रहा है कि सोर्स में सुक्रोज बन रही है और फिर ये कंपेनियन सेल्स के जरिए सीव ट्यूब में आ जाएंगी। जब सीव ट्यूब में जो है वो ज्यादा सुक्रोज आ जाएगी तो साथ ही मौजूद जाइलम से ज्यादा पानी भी उसके अंदर जाएगा, क्योंकि वहां पर सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट है नहीं, तो सॉल्वेंट भी वहां पर मूव करेगा, ठीक है। सॉल्वेंट भी वहां पर जो है वो मूव करेगा। जब सॉल्वेंट वहां पर जो है वो मूव करेगा तो सॉल्वेंट के मूव करते हुए ही यहां पर जो है वो फ्लूइड बन जाएगा, सैप बन जाएगा, ठीक है, सैप बन जाएगा। अब दूसरी जानब सिंक में क्या है, सिंक में जो खुराक आएगी, ठीक है, इस सीव ट्यूब के अंदर जो मौजूद है वो सिंक की जानब जा रही है, वो सिंक की जानब जा रही है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, फिर वो सैप की कमी हो रही है, और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा, तेजी से वो ऊपर सोर्स से वो पानी और उसके अंदर खुराक जो हल हुई हुई है वो सिंक की जानब मूव करेगी, और सिंक पे पहुंच के जो सुक्रोज है, जो खुराक है वो मिल जाएगी सिंक के सेल को, और पानी दोबारा जाइलम में, पानी दोबारा जाइलम के अंदर। यहां पर सिंक को जो खुराक मिलनी है, ठीक है, वो कंपेनियन सेल ने एक्टिवली जो है वो खुराक देनी है सिंक को, और सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल में सिंपल डिफ्यूजन से खुराक आएगी। ऐसी अगर हम बात करें लीफ में, तो लीफ में जो है वो यहां पर क्या हो रहा है कि वो जो है वो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को जो है वो डिफ्यूज कर रही है खुराक, और वो आगे एक्टिवली दे रही है किसको, फ्लोइंग को, क्योंकि वहां पहले भी जो है वो खुराक मौजूद है, ठीक है। तो ऊपर सोर्स पे और मतलब सिंक पे ये जो काम हो रहे हैं कि किस तरह से, अब मैं रिपीट कर रहे हूँ, पहले सुक्रोज बनी कंपेनियन सेल के थ्रू, वो सुक्रोज गई किसको, सीव ट्यूब सेल्स को, पानी एंटर हुआ साथ सीव ट्यूब सेल में, सोल्यूशन बन गया, ये मूव करेगा किसके अंदर, फ्लोइंग वाल के, फ्लोइंग वेसल के अंदर, और फिर आगे क्या होगा, पानी इसको लीव करेगा फ्लोइंग को, और जो खुराक है वो कंपेनियन सेल के थ्रू सिंक में चली जाएगी, ठीक है, सिंक में चली जाएगी। ये जो है वो काम होना है कि किस तरह से कंपेनियन सेल के अंदर से खुराक मूव करते हुए, और साथ में पानी की मूवमेंट भी जो है वो नेसेसरी है, ठीक है, वो जो है वो हमारे पास ये मेन सोर्स से नीचे सिंक के सेल्स की जानब ये खुराक जो है वो जमा होगी। आखिरी हमारा छोटा सा जो पॉइंट है, दैट इज दी जीरो फाइट्स, चैप्टर नंबर 15 में ये आपको मिलेंगे। जीरो फाइट्स क्या हैं, ये वो प्लांट्स हैं जो बहुत ही जीरी कंडीशंस में रह सकते हैं। जीरी कंडीशंस मीन ड्राई कंडीशन, वेरी शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर, और ये क्या करेंगे, अपने पत्ते रिड्यूस करेंगे, रेट ऑफ ट्रांसपरेशन कम करेंगे, ठीक है, तने सब्ज कर लेंगे, तनों के अंदर पानी को स्टोर करेंगे, जड़ें ज्यादा ज्यादा गहराई में लेके आएंगे, क्यूटिकल ज्यादा थिक कर लेंगे, मतलब दे हैव टू नीड टू डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन, रोक नहीं सकते क्योंकि नेसेसरी वाल है, लेकिन ये क्या करेंगे, ट्रांसपरेशन रेट को कम कर लेंगे। कैक्टस इसकी एग्जाम्पल है, यूफोर्बिया एग्जाम्पल है, ठीक है, एम्फिलिया एग्जाम्पल है, हमारे इलाके में कीकर वगैरह इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सारी, या आप कैलाट्रोपिस की एग्जाम्पल ले लें, जो आम अक का पौधा है, ठीक है, वो इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सारे जीरो फाइट्स जो है वो हमारे पास जो है वो मौजूद है, वेरी शॉर्ट सप्लाई में जो वो ये रहने वाले पौधे हैं। जीरोफाइट्स में जो अडेप्टेशंस हैं, स्टोमेटा संक होंगे, लोअर एपिडर्मस की भी में आएंगे, अपर एपिडर्मस में भी इनर सरफेस पे होंगे, ठीक है, ज्यादा ये लोअर एपिडर्मस में अगर हम बात करें तो स्टोमेटा जो है वो आउटर सरफेस पे बिल्कुल ही नहीं होंगे, लोअर एपिडर्मस पे, ठीक है, ये इनर सरफेस पे होंगे, अपर एपिडर्मस में थिक क्यूटिकल होगी लीव्स के ऊपर, और ये जो लीव्स हैं ये इनका काम क्या है, ट्रांसपरेशन को कम से कम करना, ठीक
ठीक है, और रूट्स शैलो होंगी, स्टेम इनके अंदर वो पानी को स्टोर करने की एबिलिटीज रखते होंगे। बाद में तो पत्ते बिल्कुल नहीं होंगे, उसकी जगह पर स्केल्स आ चुके होंगे।